नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक बनाएंगे। ये मथुरा और वृंदावन में घर घर में बनाया जाता है और यूपी में तो घर घर में, और ये इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। ये कान्हा जी का प्रिय भोग है, इसको बनाना बहुत ही जरूरी होता है, इसके बिना जन्माष्टमी अधूरी रह जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, गैस को हमें जला लेना है और यहाँ मैं एक चम्मच घी डालूंगी और यहाँ मैंने 1.5 कप मखान लिए। इन मखानों को हमें 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है क्रिस्पी होने तक। गैस को हमें धीरे ही रखना है, तेज नहीं रखना है। मखाने यहाँ पे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आप बिना घी के भी इन्हें भून सकते हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। इनको मैंने धीरे आंच पे करा था, 5 से 6 मिनट लग गए हैं। अब ये भून चुके हैं, इसको हमें एक बाउल में खाली कर लेना है मखानों को अलग से। मखाने मैंने यहाँ निकाली है। अब यहाँ मैं 2 चम्मच दोबारा से घी डालूंगी और यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इस तरह से बादाम लिए, ये 4 टेबल स्पून है और नाप में ये 1/2 कप है। इनको हमें धीरे आंच पे ही हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सिर्फ ये 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये रोस्ट हो जाते हैं। बादाम भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हमें निकाल लेना है एक बाउल में। गैस को हमें धीरे ही रखना है, बिल्कुल तेज नहीं करना है। अब यहाँ मैंने उसी घी में 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काजू टुकड़ा लिया है, इसको हमें डाल देना है और इसको भी हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही रोस्ट हो जाएंगे ये हमारे। इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ हमारे काटे टुकड़ा भी फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं तो निकाल लेना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, जल जाएगा तो स्वाद बेकार हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 1/2 कप खरबूजे के बीज लिए हैं, इनको भी हमें फ्राई कर लेना है। घी हमारा वही है, खरबूजे के बीज हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हमें निकाल लेना है, इनको भी मैं निकाल लूंगी। सेम पैन में यहाँ पे मैं 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया, घी हमारा गर्म होना चाहिए। और यहाँ मैंने 1/2 कप यहाँ पे मैंने गोंद लिया है। आप मोटा बारीक कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा वाला थोड़ा सा ऐसे आता है और इससे भी मोटा आता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। और भूनते समय हमें बिल्कुल भी गैस को मीडियम रखना है, बिल्कुल ज्यादा तेज गैस पे नहीं करना, हम धीरे में भूनेंगे, नहीं तो ये फूलेगा नहीं। अगर फूलेगा नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा, इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा 1/2 कप भून लूंगी और जरूरत के अनुसार से हमें घी डालते रहना है, जरूरत पड़ी तो उतना ही सही। गैस को बिल्कुल धीरे रखिएगा, तेज नहीं करिएगा। इसे भी मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में, इस तरह से करके मैं 1/2 कप भून लूंगी। यहाँ मैंने सारी गोंद को इस तरह से फ्राई कर लिया है और इसमें टोटल हमारा 5 चम्मच घी लग चुका है। यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके डाला था। जब ये हमारा गोंद अच्छी तरह से फूल जाए उसके बाद ही निकालना है। और गोंद की पहचान मैं आपको बता देती हूँ, जब ये बिल्कुल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से टूटना चाहिए। अगर बीच में से कच्चा रह गया तो ये बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है भूनते समय। तो ये आपको देख लेना है इस तरह से दबा के कि हमारा ये गोंद अच्छी तरह से फ्राई हुआ नहीं हुआ, इस तरह से फ्राई हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसी सेम पैन में, इसमें घी नहीं है, बस यहाँ मैंने 1.5 कप नारियल लिया है, ये घर का है, इसको मैंने कद्दूकस से इसे घिस लिया था इस तरह से। आप बाजार का यूज नहीं करिएगा, घर का ही करिएगा इस बर्फी में, क्योंकि हम ये कान्हा जी के लिए बना रहे हैं भोग के लिए। तो यहाँ मैंने 1.5 कप लिया है और ये कप मैंने, तो यहाँ मैंने 1.5 कप इसका मखाने लिए थे, तो 1.5 कप यहाँ नारियल लिया है। तो ये भी डाल के हमें अच्छी तरह से भून लेना है। आप कटोरी का भी नाप ले सकते हैं। यहाँ मैं बिना घी के ही इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। और साथ में मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है, इसे भी हमें डाल देना है साथ में। और धीरे गैस कर रखिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हमें फ्राई कर लेना है इस तरह से। इसमें घी नहीं डालना दोस्तों, मैंने आपने देखा होगा इसे मैंने बिना घी के ही करा है। टोटल हमारा यहाँ पे 7 टेबल, यहाँ पे मैंने 7 चम्मच घी का यूज किया है। यहाँ 1 मिनट हो चुका है और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस ली है, इसको पोस्ट के दाना भी बोलते हैं। तो ये भी मैं इसी में डाल दूंगी क्योंकि इसे हमें ज्यादा नहीं भुनना है। तो यहाँ मैं इसको भी साथ में फ्राई कर लूंगी हल्का सा। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, थोड़ा सा अभी पैन हमारा गर्म है तो इसको मैं चलाती रहूंगी जिससे कि ये जले नहीं, नहीं तो आप एक बर्तन में खाली कर लीजिएगा। यहाँ मैंने एक इमाम दस्ता लिया है और यहाँ पे मैं थोड़े से इस तरह से गोंद डाल दूंगी थोड़े से, और थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसे कूट लेना है। यहाँ मैंने गोंद को इस तरह से कूट लिया है और इस तरह से दरदरा हो गया है। तो यहाँ मैं सारे गोंद को कूट लूंगी और एक बाउल में हमें खाली करते जाना है, कूटते जाना है और खाली करते जाना है।
और यह मखानों को भी मैं, आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे पीस सकते हैं, और बादाम को भी, यह बादाम और काजू को भी हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। तो यह मैं इन सब चीजों को पीस लूंगी थोड़ा सा दरदरा करके, या आप इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे काम आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम और काजू को भी कूट लिया है हल्का सा, तो इन्हें भी मैंने दरदरा कर लिया है। तो यह मैंने मखाने, काजू, बादाम और गोंद, इन सब चीज़ों को दरदरा कर लिया है, और आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ मैंने इमाम दस्ते का यूज किया है, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट का जो भी तैयार करा था ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। चाशनी के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, यहाँ पे मैंने, और यहाँ मैंने 2 कप चीनी ली है, यहाँ मैंने इस कप से नाप के ली थी 2 कप चीनी, और यहाँ पे अब मैं 1.5 कप पानी डालूंगी इस कप से नाप के। तो यहाँ मैं 1 कप ये डाल चुकी हूँ और 1/2 कप और डालना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है, इसकी हमें चाशनी बना लेनी है। यहाँ चाशनी हमारी 1 साथ की बन चुकी है। चाशनी को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे गिर रहा है तो ड्रॉप इस तरह से रुक रुक के गिर रही है, तो ये 1 साथ की बन चुकी है, और नहीं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठंडी होने के बाद आप देख रहे होंगे ये तार सा खिंच रहा है, तो ये अभी 1 तार की तैयार हुई है, इसे हमें 2 मिनट तक और पका लेना है, तो ये 1.5 तार की तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे ये गाढ़े झाग होते जाए तो आप समझ लीजिएगा कि चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। चाशनी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते होंगे इस तरह से एक बड़ा सा तार गिर रहा है, तो यहाँ पे रुक रुक के, तो ये आप देख 1.5 तार की चाशनी तैयार हो चुकी है, नहीं तो आप इस तरह से, यहाँ ठंडा हो गया इसको आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा सा दिख रहा है, तो ये 1.5 तार की चाशनी है, और हाथ में ये जमने लगा है। तो ये 1.5 तार की चाशनी बन गई है। सारा जो सामान हमने पीस के रखा था इसे हमें डाल देना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ मैं इस सारे सामान को डाल दूंगी धीरे धीरे से, और इसे मिक्स करती जाऊंगी। इसको हमें लगातार मिक्स करना है अच्छी तरह से। यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, इसे हमें 2-3 मिनट तक चलाते रहना है, जिससे चाशनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ इसको मैं 2 मिनट और चला लूंगी। बर्फी का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, कढ़ाई में आप जब देख लीजिएगा नीचे व्हाइट व्हाइट सा लगे, इसे मैंने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये सूखा सूखा लगे तो आप चाशनी को बढ़ा सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी बर्फी नहीं जमेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए बिल्कुल गीला, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल गीला है इस तरह से। अब यहाँ मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, ये हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं इसको ट्रे में पलट दूँ। तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है, यहाँ मैंने एक ट्रे लिए, जब तक इधर हमें ट्रे को ग्रीस कर लेना अच्छी तरह से चारों तरफ से, आप थाली का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है, अब यहाँ मैंने ट्रे में जो घी लगा के रखी थी अब इसमें हमें ये सारा डाल देना है, और एक फेचुला के साथ से इसको फैलाते जाना है, मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैं सारा डाल दूंगी इस तरह से, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से फेचुला की सहायता से या आप कटोरी की सहायता से अच्छी तरह से दबा दबा दीजिएगा, बिल्कुल भी ये खिला खिला नहीं होना चाहिए हमारा, अगर खिला खिला रहेगा तो बर्फी नहीं जमेगी और वो खुल खुल के जाएगी। तो यहाँ अभी ये गर्म ही है, गर्म में ही हमें इसे निशान लगा के काट लेना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं कटेगी, तो आप एक चक्कू की सहायता से इस तरह से निशान लगा लीजिएगा, और इसको हमें गर्म में ही करना है, ठंडे में नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ मैं इस बर्फी को इस तरह से काट लूंगी, अपनी पसंद के हिसाब से आप छोटे बड़े काट सकते हैं। यहाँ बर्फी को मैंने काट लिया है इस तरह से, अब ये ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब बर्फी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब मैं आपको मिलती हूँ। यहाँ मेवा पाक हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे 2 घंटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये ट्रे में हल्की सी जम जाती है, इसे आप हल्का सा गैस पे रखेंगे 1 सेकंड के लिए, तभी ये घी छोड़ देती है, तो ये हमारी बर्फी आराम से निकल जाती है। तब मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी मेवा पाक बनके रेडी हो चुकी है, इसके बिना हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार पूरा नहीं होता, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया है गोंद और मेवा का यूज किया जाता है, इसलिए इसको मेवा पाक कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।